चल भाई कैसे है? बहुत बढ़िया। चलो और कोई आया अभी दोस्त? अच्छा अच्छा, चलो भाई, वाह वाह वाह, सतीश आ गया देखिए। सब पुराना पुराना दोस्त सब मिलेगा, अच्छा मामला होगा सबका। और भाई सब देखिए भाई साहब, मतलब ऑटो वाले भी ऐसे चलाते ना, देखते नहीं हो तुम लोग, पीछे सबको मारते चल गए हैं, पीछे मारते हुए गए। तुम रोक आ गाड़ी, तुम्हारा पास लाइसेंस है? तुम्हारा पास लाइसेंस है? कितना उम्र हो रहा है? अभी रुकवा के थोड़ा चलान करवाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रॉयल राइडर। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रितेश शर्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, और आपका भाई भी बहुत ही मस्त है, फर्स्ट क्लास। बस यही है कि पटना का मौसम जो है डेली बदल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, इसलिए थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो रखी है, उसके लिए दवाई भी खा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए ब्लॉग लगातार लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी एक दो दिनों से देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए लगातार ब्लॉग्स कर ही रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है बताइए? और भाई व्यूज़ नहीं आ रहा है तो फटाफट लाइक और शेयर करिए, दोस्तों को बताइए तो सही कि पटना में आपका एक बेहतरीन भाई है जो एक से बढ़कर एक ब्लॉग्स आपके लिए लेकर के आता है। तो फिर हम लोग एक जगह जाने वाले हैं, थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे, फिर भी हम लोग जा रहे हैं कुछ पुराने दोस्त यारों से मिलने के लिए। और अभी हम लोग धनुष सेतु पे हैं, तो फटाफट अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। अरे बाबा, इतना बड़ा जाम, इतना बड़ा जाम, बहुत भयंकर जाम है भाई। जाम की समस्या आपको मेरे वीडियो में हमेशा दिखाई देगी, क्योंकि पटना में हमेशा जाम लगा ही रहता है, और बस जाम में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आराम से धीरे धीरे ही निकलना होता है। ये किस कंपनी का है भैया गाड़ी? यामा का है। अच्छा, FZ वही वाला निकाला है? नहीं, नया मॉडल है, बहुत मस्त है। क्या इसका प्राइस है ऑन रोड? 152 है, 150 cc है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया स्पोर्ट्स लुक में पूरा निकाला है, बहुत सही है भाई। आजकल इतने सारे बाइक्स के मॉडल्स आ गए कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। सॉरी, देखिए सर्दी खांसी की बात कर ही रहा था, बहुत ज़्यादा है, और पटना में पॉल्यूशन का लेवल जो है भाई एकदम इस वक्त और हाई होने वाला होता है। छठ और दिवाली के समय तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिल्ली को फेल कर देता है अपना पटना, इतना तरक्की कर चुका है पटना, और जाम से कब छूटेंगे पता नहीं। और सामने अपना प्यारा तिरंगा लहराता हुआ सैल्यूट है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास हम लोग आ गए हैं, और जब भी स्टेशन से गुजरते हैं, पटना जंक्शन हो या ये हो, 100 फीट ऊपर जो है तिरंगा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। पटना में CNG बस का परिचालन होने लगा है। देखिए ये CNG बस है, CNG बस का बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था, और इतनी ज़्यादा भरमार हो गई कि आपके भाई ने वीडियो नहीं बनाया, सोचा एक ही चीज़ को लोग कितना दिखाएंगे, कुछ यूनिक हो तो ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए और ब्लॉगर्स हैं, अगर बहुत सारे ब्लॉगर्स भरे पड़े हैं जिन्होंने CNG बस सर्विस का बनाया है, जा करके फटाफट वहीं जाके देखिए। ये राजेंद्र नगर का सब्जी मंडी है, लॉकडाउन में सब्जी मंडी को यहाँ से हटा दिया गया था। ये देखिए भाई साहब, मतलब ऑटो वाले भी ऐसे चलाते हैं ना, बिना देखे चलाता है सब। ऑटो वाले की ये करामात है, ये शैतानी है, और कुछ नहीं कहेंगे इसको। ये लोग इतनी भीड़ भाड़ में भी इतना स्पीडली निकाल रहे हैं ऑटो को, बता नहीं सकते हैं, और देखते नहीं हैं। देखते नहीं हो तुम लोग, पीछे सबको मारते चल गए हैं, पीछे मारते हुए गए। तुम रुक आ गाड़ी, तुम्हारा पास लाइसेंस है? तुम्हारा पास लाइसेंस है? कितना उम्र हो रहा है?
अभी रुकवा के थोड़ा चलान करवाए हैं। देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो लोग ऑटो चला रहे हैं, अब क्या होगा बताइए। ट्रैफिक नियमों का भाई पालन करिए, अगर आप नहीं करते हैं ना तो देखिए यही सब चीज़ें होती है और बच्चों को इसीलिए गाड़ी चलाने नहीं दिया जाता है। तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है आपके भाई की। हाँ निकल गए हैं तो क्या करें, ब्लॉग तो बनाना है भैया। जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि बहुत देर बाद जो है हमने कोरोना का वैक्सीन लिया है, तो भाई ऐसा है कि कोविशील्ड वैक्सीन हमने लिया है, किसी वजह से पिछले 2-3 महीने से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप देख रहे होंगे कि ब्लॉग्स भी कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, एक एक दो दो हफ्ते 3-3 हफ्ते बाद ब्लॉग्स आ रहे थे। आप सोच सकते हैं किसी काम में इतना उलझा हुआ था, घर में कई एक लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस बीच वैक्सीन लेना आपके भाई के लिए पॉसिबल नहीं था। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कृपया करके, वो उनके लिए ये मैसेज है। और ऐसा नहीं है कि भैया बाद में नहीं मिल रहा है वैक्सीन, अभी भी लोग ले रहे हैं, पहला डोज ले रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये पटना मेट्रो का भी मैंने अपडेट दिया था, आप हमारे चैनल पे जाइए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, आपको दिखाई देगा पटना मेट्रो का। और फिर देंगे अपडेट इसका, कहाँ तक ये काम हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ। चल भाई कैसे है? बहुत बढ़िया। चलो और कोई आया अभी दोस्त? अभी लोग देखो सामने आया। अच्छा अच्छा, चलो भाई वाह वाह वाह, सब तेज आ गया देखिए। सब पुराना पुराना दोस्त सब मिलेगा, जमावड़ा होगा सबका। और भाई सब और राइडर बन गया है क्या? तो वेल, अभी हम लोग पहुंचे हैं कंकड़बाग में और हमारे साथ यहाँ गौरव हैं, और गौरव हमारे पुराने स्कूल के फ्रेंड हैं और यहाँ पे आए हैं। क्यों आए हैं ये गौरव बताएंगे इनका। एक्चुअली में यहाँ पे एक शॉप का जो है आज ओपनिंग है, और कौन सा शॉप है गौरव? ये एक्चुअली सरप्लस लॉट का और सरप्लस गारमेंट्स का शोरूम है। जो भी ब्रांड का कपड़ा आप लेते हैं शोरूम से बकायदा, वो हमारे पास भी मिलेगा, उससे कम दाम मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कम कीमत में मिलेगा, ये यूनिकनेस है। अच्छा अच्छा, ब्रांडेड में जैसे डिस्काउंट नहीं मिलता है पहुंचेगा? नहीं नहीं, हम लोग के पास डिस्काउंट मिलेगा, सालों पर डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, अप टू 70% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, और कहाँ पे है ये एड्रेस? एक्चुअली ये मलाई पगड़ी चौक से टेम्पल स्टैंड जाने वाले रोड में पहला टर्न है, लेफ्ट, पहला लेफ्ट टर्न में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो पहले वाले डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और गूगल मैप का लोकेशन दे दिया जाएगा और शॉप का जो है नंबर दे दिया जाएगा, तो आप इजीली यहां पे आ सकते हैं। और देखिए चारों बगल यहां कलेक्शन आपको दिखाई देगा, जींस लगा हुआ है यहाँ पे, इस साइड शर्ट का कलेक्शन है, और यहाँ पे नीचे यहाँ टी शर्ट्स वगैरह का कलेक्शन है, सब आपको ब्रांडेड जो है टी शर्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ये सब सारा टी शर्ट्स है, एक से एक ब्रांडेड टी शर्ट्स आपको मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा, कोई भी कॉपी नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सब कॉपी नहीं है, सब ओरिजिनल है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग बता देते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन वो कोशिश नहीं रहता है कि हम लोग वो चीज़, वो सामान लाएंगे ही नहीं है ना, वो प्रोडक्ट क्वालिटी का शर्ट हो गया। चलिए बहुत अच्छा शर्ट हो गया, एमआरपी टैग के साथ। ये यूएस पोलो का शर्ट है, ये एक्चुअली कलर प्लस का शर्ट है, एमआरपी टैग के साथ, सारा कुछ लेबल इंटैक्ट। तो हमारे पास ये जैसे है 2345 का शर्ट, तुम्हारे पास 1100 में आपको मिल जाएगा। वाह क्या बात है, दम आधा 50% लगता है डिस्काउंट है क्या? 70% बहुत ज्यादा डिस्काउंट। ये फ्लाइंग मशीन का शर्ट है, 1999 में हमारे पास आपको 750 रुपए मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो बहुत सही। और ये डेनिम फ्लावर है, इंडिया से बाहर का ब्रांड है, इंडिया में कहीं भी शोरूम नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन इसकी क्वालिटी ऐसी और कलर और शाइनिंग है, 2 साल तक ऐसी ही रहेगी। अच्छा अच्छा, अगर नहीं रहे तो पैसा वापस। वाह, ये सब मतलब यहाँ बेनिफिट आपको शॉप में मिलने वाला है।
तो खैर ये तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ जो है अपना रोजगार लोग कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है बिहार में। खासकर गौरव वगैरह सब लोग बाहर गए थे, बहुत सारे दोस्त, आपका भाई भी बाहर ही गया था, बाहर से लौट के फिर से अपने होम टाउन में आ चुके हैं। होम टाउन में ही कुछ कर गुजरने का जज्बा है। हाँ जी, बहुत सही है। और अभी देखिए कुछ, हाँ आइए दुकान पर, आपको बहुत चीज वैरायटी मिलेगी, आपको कम कीमत पे अच्छा चीज मिलेगा। सपोर्ट करिए अपने भाई को, दोनों लोगों को सपोर्ट कीजिए। और देखिए वहाँ यहाँ जो है और भी स्कूल वाले सब फ्रेंड्स हैं, बाहर जो है कोक का मजा ले रहे हैं। स्वतेश आओ अंदर, दोस्त के शॉप पे आए, कैसा लग रहा है? नहीं काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छे से ब्रांड्स भी रखा हुआ है, मतलब अगर देखा जाए तो लेवाइस हो गया, तो किलर हो गया, हर टाइप का रखा हुआ है। बस अब देखेंगे, अब शॉपिंग करते भी पता चलेगा कैसा है। तो भाई दोस्त को सपोर्ट कीजिए, और एक तरह से हम लोगों का ये रीयूनियन भी कह सकते हैं, छोटा सा हो गया इसमें। आइए एक बार जरूर आइए, शॉपिंग में परचेस करिए, उसके बाद ही पता चलेगा कैसी क्वालिटी है, जरूर आइए एक बार। और यहाँ भी है भाई, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग नहीं भागने का क्या बात है। हाँ तो क्या कैसा लग रहा है ये बताओ, आके भाई सब दोस्तों से मिल के कैसा लग रहा है ये बताओ पहले। प्राउड फील हो रहा, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, खातिरदारी किया गौरव की नहीं किया? अरे वो तो हमेशा करता है, उसके लिए होता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए तो कुछ दोस्त हैं जो लोग मोहल्ले में रहते हैं तो वो लोग मिल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी दूर दूर से भी आए हैं यहाँ पे, और भी लोग अभी आने वाले हैं, तो सब लोगों का एक छोटा सा रीयूनियन इसे कह सकते हैं। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। किसका है शर्ट, कौन सा कंपनी? मुक्ति। बहुत सही लग रहा है, मात्र 300। बहुत बढ़िया, शानदार एकदम है, पूरा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। कैमोफ्लेज एकदम बहुत सही है, क्वालिटी भी अच्छा है, कभी हल्का नहीं है, सही है, बहुत सही है, धुलने के बाद बाइक ना हो जाए, स्ट्रेचेबल भी है। नहीं नहीं तो कंपनी है तो थोड़े कुछ होगा उसमें, कुछ खराबी है। ये साइड वाला डिजाइन दिया है, ये डिजाइन अलग तरह का दिया डिजाइन है। अच्छा ये भी दिया है, हाँ सही है, सही है, एप्पल का टैग बहुत सही बना सकते हो तुम बाद में। बहुत सही है, बटन कर लेना, बहुत सही। तो गाइस अभी पुराने स्कूल फ्रेंड्स से बातचीत करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, और अभी शाम हो चुके हैं और शाम के 6 बजने वाले हैं। अब क्या है कि 6 बजे ही अब शाम होने लगी है और अंधेरा होने लगा है, क्योंकि दिन जो है छोटा होने लगा है। तो पटना में सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद अक्टूबर में दशहरा, फिर दिवाली, फिर छठ, सब कुछ आने वाला है, इसलिए जो है दिन छोटा होने लगता है। पटना में रहते हुए भी पुराने दोस्तों से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है जब मिलना होता है। मुझे लगता है कि अभी इन दोस्तों से मिलना हुआ है स्कूल टाइम में जब थे, उसके बाद तो फिर बाहर जाना हो गया था, फिर उसके बाद अभी ही मिलना हुआ है। ये सब इत्तेफाक ही कहते हैं कि जब कहीं कुछ होता है तो मिलने का ये सब चीज़ आता है, सही रहता है। लोग चल रहे हैं सीधे घर की ओर, और ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर, और यहीं पर कोरोना वैक्सीन लग रहा है, आपके भाई ने भी लिया था। कि भाई की तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है, और सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा अपने चरम पे है, और दोस्तों के साथ वहाँ पे थे तो कोल्ड ड्रिंक भी पीना हो गया, इसलिए जो सर्दी है और बढ़ चुका है, तो अंदर से फिटनेस जैसा नहीं लग रहा है। तो अभी सीधे चलते हैं घर पर, और